तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको एक शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी लुक एकदम मार्केट के ब्लूटूथ स्पीकर की तरह ही होने वाली है। और इसमें हम आरजीबी लाइट लगाएंगे, जिससे कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर और भी ज़्यादा मस्त लगेगा। और इसे हम पीवीसी पाइप की मदद से बनाने वाले हैं, तो इसे आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे। और इस ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमें ब्लूटूथ स्पीकर के लिए बॉडी फ्रेम बनाना है। तो इसके लिए हमने एक 2 इंची का पीवीसी पाइप लिया है, और इस पाइप से हमें एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट करना है, और उस टुकड़े को एकदम बीचों बीच से कट करके उसके 2 हिस्से कर लेने हैं। तो फटाफट से मैं मार्किंग करके कटिंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने पाइप को बीच से कट करके उसके 2 हिस्से कर लिए हैं। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस प्रकार के पीसेस कट किए हैं। इनकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। और इन पीसेस को क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो गाइस, हमारे ब्लूटूथ स्पीकर का बॉडी फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसके दोनों साइड के लिए हमें ढक्कन बनाना है। तो इसके लिए हम एक पीवीसी शीट लेंगे, और इस पर हम बॉडी फ्रेम को कुछ इस टाइप से रखेंगे, और फिर हम इसके अंदर की मार्किंग लगा लेंगे, और फिर हम इसे पलट करके इसकी दूसरी साइड की भी मार्किंग लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड की इसमें मार्किंग लगा ली है, और अब इस मार्किंग के निशान से इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तो गाइस, हमने दोनों ढक्कन को एकदम अच्छी तरीके से कट कर लिया है, और इनमें हमने सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरीके से फिनिशिंग भी दे दी है। और अब इसके बाद हमने 2-2 इंची के 2 स्पीकर लिए हैं, और ये दोनों स्पीकर 3 ओम 5 वाट के हैं। और इन दोनों स्पीकर को हम ढक्कन के दोनों साइड पर यहाँ पर फिक्स करेंगे। और इसके बाद हम एक कुछ इस प्रकार का बेस रेडिएटर लेंगे, और इसे हम दोनों स्पीकरों के बीचों बीच यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो इन सभी को फिक्स करने के लिए इनकी साइज़ की हमें कटिंग करना होगा। तो पहले हम इनकी साइज़ को नाप करके इसमें मार्किंग लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों स्पीकर और बेस रेडिएटर के लिए मार्किंग लगा ली है। तो चलिए अब इन मार्किंग के निशान से इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों स्पीकर के लिए और बेस रेडिएटर के लिए कटिंग कर ली है। और अब इसमें हम अपने स्पीकर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, और फिर इसके चारों तरफ ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। तो मैं दोनों स्पीकर को ग्लू लगा करके अच्छे तरीके से चिपका दिया हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लू है ये स्पीकर के अंदर पर्दे में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसका साउंड अच्छा नहीं आएगा। और अब गाइस, जो हमारा बेस रेडिएटर है इसे हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस, इन दोनों स्पीकर को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है, तो इन्हें हम फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो
तो भाइयों मैंने दोनों स्पीकर को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है और इसमें हमने एक कुछ इस प्रकार का सॉकेट लगाया है। इसका जो रेड वाला वायर है इसी हमने स्पीकर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसका जो वाइट वाला वायर है इसी हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये जो सॉकेट है ये हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल में लगेगा। और अब इसे क्या करना है कि जो हमने बॉडी फ्रेम बनाया था इसके यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और इसे हम थोड़ा अंदर करके फिक्स करेंगे ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और अब इसके चारों तरफ हम फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। तो अब इसे रख देना है साइड में और इसका जो पीछे वाला ढक्कन है इसमें हमें एक एम्पलीफायर मॉड्यूल लगाना है। तो इसके लिए हमने कुछ इस प्रकार का एम्पलीफायर मॉड्यूल लिया है। इसी के अंदर आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए यहाँ पर माइक्रो यूएसबी सॉकेट दिया गया है और इसमें आप एसडी कार्ड यूएसबी वगैरह भी लगा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो सॉकेट दिए गए हैं, एक में आपको बैटरी लगाना है और दूसरे में स्पीकर लगाने हैं। और इसके पीछे साइड पर 5 बटन देखने को मिल जाएंगे, इनसे आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। और लाइटिंग के लिए यहाँ पर 2 RGB LED दी गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर मॉड्यूल है, इसी के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको मार्केट में 40 से 50 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो अब इसे क्या करना है कि ढक्कन के यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो पहले हम इसकी मार्किंग लगा लेंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने कटिंग कर ली है और अब इसमें हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएगा। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि जो ये बटन हैं इनके अलग से कनेक्शन करना है ताकि हम अपने बॉडी फ्रेम के ऊपर साइड लगा सकें। तो इसके लिए हमने इन्हीं के जैसे 5 बटन लिए हैं। आप चाहो तो इन बटन को भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इन बटन को नहीं निकालने वाले क्योंकि हमने अलग से बटन लिए हैं। तो चलिए अब इनके हम फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने 5 स्विच के कनेक्शन कर लिए हैं और अब इसके बाद हमने PVC शीट से एक छोटा सा पीस कट किया है और इसमें हमने 5 स्विच के लिए होल कर लिए हैं। और अब इसमें हम सभी स्विच को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और अब इसके पीछे साइड पर हमें हॉट ग्लू लगा देना है ताकि सभी स्विच अपनी जगह अच्छी तरीके से फिक्स बने रहें। और अब गाइस इन बटन को क्या करना है कि जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर का बॉडी फ्रेम है इसके ऊपर साइड पर इन बटन को फिक्स करना है। तो इसकी साइज़ की यहाँ पर हमें ग्रुप कटिंग करना होगा। तो चलिए फिर मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो हमने इसमें बटन के लिए कटिंग कर ली है और अब इसमें बटन कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएंगे। तो इन्हें हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि जो इसमें RGB LED लगी हैं इन्हें डिसोल्डरिंग करके निकाल लेना है। तो मैंने दोनों LED को डीसोल्डरिंग करके निकाल लिया है और इनमें मैंने 2-2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। और अब इन दोनों LED को स्पीकर के आगे साइड कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो इसके लिए हमने PVC शीट से एक पीस कटिंग किया है। इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और इसके दोनों साइड में हमने 2 गड्ढे के जैसे बना लिए हैं और इसके बीच में हमने वायर के लिए एक लाइन बना दी है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा हॉट ग्लू लगा करके दोनों LED को चिपका देना है। और अब इस PVC शीट को क्या करना है कि स्पीकर के आगे साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि जो ये LED के वायर हैं इन चारों वायर को इसकी दूसरी साइड निकालना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा होल किया है। तो इस होल से हम LED के चारों वायर को इसकी दूसरी साइड पर निकाल लेंगे और फिर इसे हम फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। अब गाइस LED का फॉक्स डायरेक्ट स्पीकर पर गिरेगा और फिर हमारा ब्लूटूथ स्पीकर देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल है इसे इस ढक्कन में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ हॉट ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देना है।
तो हमने इसके चारों तरफ हॉट ग्लू लगा करके अच्छे तरीके से चिपका दिया है। और अब जो हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल के बटन हैं, इन बटन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैंने सभी बटन को फिक्स करके चिपका लिया है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे एलईडी की वायर हैं इनके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम दोनों एलईडी के नेगेटिव वायर को जहां से हमने एलईडी को निकाला था उसके नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और दोनों एलईडी के पॉजिटिव वायर को हम पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इसके बाद हमने दो लिथियम आयन बैटरियों को लिया है। एक बैटरी 3.7 वोल्ट 1200 mAh की है। तो दोनों बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है ताकि हमें अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल सके। और अब इसके बाद हम कुछ इस प्रकार का एक सॉकेट लेंगे और इसका जो रेड वाला वायर है इसे हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और इसका जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इस बैटरी को क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो इसे चिपकाने के लिए हम इसके नीचे साइड पर डबल साइडेड टेप को लगा लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर फिक्स करके चिपका देंगे। अब गाइस ये जो बैटरी का सॉकेट है इसे हम एम्पलीफायर में बैटरी वाले सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे और जो ये स्पीकर का सॉकेट है इसे हम एम्पलीफायर में स्पीकर वाले सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छे तरीके से कर लिया है और अब इस ढक्कन को हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से कवर करके फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो मैं इसे कवर करके अच्छे तरीके से चिपका लिया हूँ। अब गाइस इसके नीचे साइड पर हमें चार लेग लगाना है। तो इसके लिए मैं पीबीसी शीट से चार कुछ इस प्रकार के लेग बनाया हूँ और इन चारों लेग को मैं इसके चारों कोनों पर फेविक्विक की मदद से चिपका दूंगा। तो गाइस फाइनली हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बनकर रेडी हो चुका है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगने लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा ब्लूटूथ स्पीकर कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आपको इसे चार्ज करके दिखा दें। आप देख सकते हो कि इसकी रेड एलईडी जलने लगी है यानी कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज होने लगा है और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसकी ब्लू एलईडी जलने लगेगी। तो इसे हम बाद में चार्ज करेंगे, उससे पहले हम आपको इसे बजा करके दिखाते हैं। तो अब हम इसे करते हैं ऑन। तो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है और अब हम इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है और अब हम इसमें NCS म्यूजिक बजाते हैं। और गाइस आप इन एलईडियों को इस बटन की मदद से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और आप इसकी साउंड क्वालिटी तो सुन ही सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त है। और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल छोटे साइज का है तो इसे अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो और कहीं पर भी आप म्यूज़िक का मजा ले सकते हो। तो गाइस आपको हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।